नमस्कार, आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इस भूकंप की वजह से 8,394 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर इस वक्त चलाया जा रहा है। तस्वीरें जिस वक्त ये भूकंप आया था वो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन तब से लेकर के अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 8,300 से ज्यादा मौत हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि अभी मौत का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप देखिए कैसे वहां पर लोग फंसे हुए हैं, इमारतों के नीचे, मलबे के नीचे, और रेस्क्यू टीम लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का निशान देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अलग अलग 5 तस्वीरें जरा आप देखिए। भूकंप की वजह से अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए, कई शहर का नामो निशान मिट गया। उधर मौसम की वजह से राहत और बचाव कार्य में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कुछ जगहों पर हमने देखा बर्फ भी गिर रही है और इन सब के बीच रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। और उधर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 38,000 के पार हो गई है। और इन सब के बीच सीरिया में कई घंटों बाद लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला अब भी जारी है, जिसके तहत अलेपो शहर में कई लोगों को बचाया गया जो कई घंटों तक मलबे के नीचे दबे हुए थे। इस बीच एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि बच्ची को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। इस दौरान उस बच्ची के पिता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसे बाहर निकाले जाने तक उसकी हौसला अफजाई की ताकि वो बिना डरे रेस्क्यू टीम का साथ देती रहे। इसी तरह हरम शहर में भी दो भाई बहनों की जिंदगी बचाई गई जो मलबे में लगातार कई घंटों तक फंसे हुए थे। धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बोनी साबित होगी, क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ली थी वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए, अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन में जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से दबाव पैदा हो रहा है। देर सवेर वो दबाव भूकंप बनकर बाहर निकलेगा ही, लेकिन कब तो उसकी सटीक तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि कल ही भूचाल अमेरिका को हिला डाले या अगले 10 साल भी अमेरिका की धरती में कंपन न हो। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप जितनी देर में आएगा उतना ताकतवर आएगा और जब भी आएगा अपने साथ कयामत लाएगा। और तो और अकेला कोई एक भूकंप नहीं आने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका में जलजला नहीं बल्कि एक के बाद एक कई जलजले आएंगे, क्योंकि 1906 में कैलिफोर्निया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 1857 में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद कैलिफोर्निया में इतने ताकतवर भूकंप नहीं आए। यानी 166 साल में कैलिफोर्निया में बहुत भयानक भूकंप नहीं आया। माना जा रहा है कि अब कैलिफोर्निया में जमीन के अंदर इतना दबाव बन चुका है कि जल्द अमेरिका में भूकंप आ सकता है और वो भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.2 की तीव्रता को भी छू सकता है। और उधर तुर्की के हतेय प्रांत में भूकंप के तेज झटके आने के कई घंटों बाद भी तबाही खत्म नहीं हुई। एक दिन पहले इस प्रांत का अहम बंदरगाह भी भूकंप की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वहां लगी आग और भड़क गई। उस बंदरगाह से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। एक एक कर वहां के कई कंटेनर आग की चपेट में आ गए और इसके बाद तो वहां से आसमान छूती लपटे उठने लगे और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। वहीं एक दूसरे इलाके में भूकंप की वजह से जमींदोज हो चुका एक अस्पताल नजर आया जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था।
बताया गया कि उस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे जो भूकंप आने के बाद बाहर नहीं निकल सके थे। हालांकि बाद में उन्हें निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हतई प्रांत से इस तरह की तबाही की कई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से NDRF की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही NDRF की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और दो गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहां से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद NDRF की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का ये सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से दो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। वी आर दोस्त, वी आर फ्रेंड्स, रिएक्शन रिस्पांस वाज वेरी स्विफ्ट एंड टाइमली। इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहाँ के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।